तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी रीजन के चलते अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो भाई, ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एंड दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर ये राइट साइड में तीन लाइन आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपली दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर एक ही सेटिंग का आइकन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो भाई, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे भाई, यहाँ पे लिखा होगा सी मोर, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद भी आपको यहाँ से हल्के से नीचे आना है, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल। सो भाई, आपको सिंपली यहाँ पे पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो भाई, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड दोस्तों इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का। सो भाई, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से अपनी फेसबुक आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, अगर आप अपनी फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहते हो दोस्तों, आप यहाँ से फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको करना है अपनी फेसबुक आईडी को डिलीट। दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे डिलीट वाले को सिलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो, उसके बाद भाई आपको यहाँ पे कोई सा भी एक रीजन डाल देना है कि आप अपनी फेसबुक आईडी को आखिर डिलीट क्यों करना चाहते हो। सो भाई, सिंपली आपको यहाँ से कोई भी एक रीजन दे देना है और दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो भाई, यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो भाई आपको यहाँ पे फिर से एक बार कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद भी आपको सिंपली यहाँ से नीचे आना और दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस वाले बॉक्स में भी आपको अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड आपको एंटर कर देना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड फटाफट से डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भाई मैंने पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद भाई सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो भाई यहाँ पर आप लिखा देख सकते हो, भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आप 30 दिन से पहले अपनी फेसबुक आईडी को किसी भी फोन में लॉग इन करते हो तो दोस्तों आपकी फेसबुक आईडी डिलीट नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप किसी भी फोन में अपने फोन में आईडी को लॉग इन कर लेते हो तो दोस्तों आपकी जो आईडी है भाई वो लॉग इन हो जाएगी और वो डिलीट नहीं होगी। सो भाई, इसलिए भी आपको अपनी फेसबुक आईडी को अब इसके बाद बिल्कुल भी लॉग इन नहीं करना है किसी भी मोबाइल फोन में। सो भाई, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आपकी जो फेसबुक आईडी है वो भाई यहाँ पर परमानेंट डिलीट हो जाएगी और उसके बाद भाई किसी के भी फोन में आपकी आईडी जो है वो भाई शो नहीं होगी। सो भाई, इस तरह से आप अपनी फेसबुक आईडी को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय, टेक केयर।